संसद में पारित केंद्र सरकार के नए कृषि संबंधी 3 विधेयकों को लेकर देश भर में किसानों और विपक्षी दलों द्वारा जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बिल को राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने किसानों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलती मानते हुए इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए। सचिन पायलट ने एक वीडियो संदेश में कहा, राजनीतिक दल, किसानों के संगठन, अलग अलग लोग अदमुखर होकर यह बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की ओर इशारा करते हुए सचिन पायलट ने कहा, आप यानी कि बीजेपी अपने कैबिनेट मंत्री को समझा नहीं पा रहे तो किसानों को क्या समझाएंगे। किसान सब समझता है कि बीजेपी सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और कांग्रेस हमेशा की तरह किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। सचिन पायलट ने इन विधेयकों को किसानों पर बहुत बड़ा प्रहार बताते हुए कहा, मंडियों को खत्म करने से या न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लगभग खत्म करने से कहां से किसान का हित साधने की कोशिश यह सरकार करने जा रही है। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दबाजी में किया गया, राज्य सरकारों से सलाह नहीं की गई। उन्होंने कहा, हम सब चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में निवेश हो, सुधार हो, लेकिन यह जो विधेयक बनाया गया है यह किसान विरोधी है, देश विरोधी है और मैं समझता हूँ कि हर नागरिक का अहित करता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए, इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही सचिन पायलट ने इन विधेयकों को पारित कराने के तरीकों को भी अलोकतांत्रिक बताया। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। एसपीएन 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।